सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर में करवा चौथ के पहले एक पत्नी दुनिया को अलविदा कह गई। मामला सागर की राहतगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां एक विवाहिता महिला का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतिका के शव का पंचनामा कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम कराया है और इस पूरे मामले की बारीकी से जाँच में जुट गई है। जानकारी कहती है कि राहतगढ़ थाना क्षेत्र के ढेकरी गांव में अशोक लोधी की पत्नी मीनाबाई का शव गांव के ही एक कुएं में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्यवाही की। इस दौरान मृतिका महिला के मायके पक्ष के लोग आ गए और उन्होंने ससुराल पक्ष पर मीना को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि उनकी बेटी मीना की शादी 15 साल पहले ढेकरी गांव के अशोक लोधी के साथ हुई थी, लेकिन शुरुआत से ही ससुराल पक्ष के लोग बेटी मीना को ताने देते थे और उसके साथ जबरन मारपीट करते थे। इसी से प्रताड़ित होकर मीना पिछले कई दिनों से मायके में रह रही थी, लेकिन बीती 7 जुलाई को मीना के ससुर 4-5 लोगों के साथ उनके घर पहुंचे और अपनी बहू मीना को समझा बुझाकर अपने साथ ससुराल ले गए। इसी बीच 10 अक्टूबर को ससुराल पक्ष के लोगों ने फोन पर जानकारी दी कि उनकी बहू मीना कहीं चली गई है और मिल नहीं रही। इसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का शव कुएं में पड़ा मिला है और शव पर चोटों के निशान भी हैं। मायके पक्ष के लोगों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुझे जानकारी है कि कल दोपहर को हमें खबर मिली कि आपकी बुआ लापता है, तो हम लोगों ने छानबीन करी तो मिली नहीं। सुबह हम लोग 8-10 जन लोग उनके ससुराल गए, ससुराल जाके पता करा तो मिली नहीं। इन लोगों से बोला कि भाई आप लोग ढूंढो। सुबह इन लोगों ने ढूंढा तो बोले कुआं में मिली हैं। कुआं में जाके देखा, मतलब दोपहर में हम लोग वापस से गए कुआं में, तो कुआं में मिली थी, लाश अतरा रही थी और सिर पे चोट वोट के भी निशान थे उनके। शादी तकरीबन 15 साल पहले। शादी के बाद उनकी 2-3-4 बाद लड़ाई झगड़े हुए, वो यहाँ भी आ जाती थी। बीच में अभी 6 महीने घर भी रह के गई हैं। अभी चुनाव के टाइम पर 7 जुलाई को उनके ससुर वगैरह 2-3 लोग आए थे, नेत्राम लोधी, श्याम लोधी। उनने कहा था कि भाई हम हमारी जिम्मेदारी ले जा रहे, कोई भी दिक्कत होगी तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। हालांकि पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है और मामला संदिग्ध होने पर मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। राहतगढ़ से इमरान कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज।